जी अस्सलाम वालेकुम। और इस टाइम टाइम हो रहा है 6:15, ठीक है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो इफ्तारी के बाद व्लॉग बनाती होती है, तो अभी इफ्तारी से पहले का क्या सीन है। असल में मुझे अभी मेरी प्यारी दोस्त, मेरी जान का टुकड़ा, मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा जिगर गोशा आमना का मैसेज आया था कि भाई व्लॉग शुरू करो, साद और मोहम्मद आ रहे हैं तो उन्होंने कुछ लेके आना है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने पूछा कि क्या मकसद है, खैरियत है, मेरे पास इफ्तारी कर लें। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने इफ्तारी पे कहीं बाहर जाना है, तो आप सिर्फ व्लॉग शुरू करें, बाकी आगे जब वो लोग आएंगे तो सिर्फ व्लॉग बना लेना। मैंने कहा जी अच्छा ठीक है, बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो व्लॉग अभी हम शुरू कर रहे हैं, प्रॉपर शुरू करेंगे इंशाल्लाह अफ्तारी के बाद। अभी अम्मा भी उठ के बैठ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र। आज मेरी माँ को सुबह में नींद नहीं आई, ठीक है, वो जागती रही है सारा दिन, और फिर काम वाली आ गई थी, उनसे काम शाम करा के फिर वो लेटी हुई थी, तो अब उठे हैं हम लोग। मैंने उठाया, मैं कहा जी व्लॉग शुरू करना है, उठ जाएं। तो आपको पता है फैमिली सपोर्टिव होते होते कहते हैं आहो आहो कर, ऐसे उठ रहे हैं। तो खैर जवाद साहब अभी ऊपर गए हैं, कपड़े शपड़े पहन के वो नीचे आते हैं, तो मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ। तब तक हम इंतजार करते हैं साद और मोहम्मद के आने का। आई एम वेरी क्यूरियस, मुझे पता है कि आप लोग भी बड़े क्यूरियस होंगे कि क्या करना है, क्या क्या खैरियत से आ रहे हैं। आते तो वो लोग वैसे भी रहते हैं, मगर आज व्लॉग शुरू करने का आमना ने क्यों कह दिया, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ ही क्यूरियस होंगे। अभी बस वो लोग आते हैं, उनका इंतजार करते हैं, वो लोग आते हैं तो फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ये आ गए साद और मोहम्मद, और हाथ में कुछ चीजें भी हैं इनके। बेल दे रहे हैं कुछ, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, अल्लाह की कसम मुझसे, मैं रोजे में उठते हैं, मुझे नहीं पता कि क्या लेके आए। बाज नहीं आती है? तुम बाज नहीं आते? ओ मैंने नहीं कुछ किया, अब मैंने कर लिया था जो मैंने करना था भैया आपकी बर्थडे पे, ये मैंने नहीं किया कुछ भी। अंदर आ रहे हैं, मिलते हैं इनसे। क्या देखा आपने? रुके अभी आते हैं अंदर, मैं देखती हूँ। हाय अस्सलाम वालेकुम। क्या ये क्या लेके आया? भाई पकड़ के दिखाओ, मेरी आमना ने भेजा। आमना ने भेजा, ये थैंक यू। जो बनता है वो करो। देखो जी मेरी कुड़ी ने वहाँ सही थी, तुम्हें भेजिए। देखो कोई नहीं, कोई नहीं, थैंक यू सो मच। अब ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम साधु। ये जवाब कर, ये हमारी तरफ से। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आमना को जब इनसे मैंने बात की ना, इन लोगों को लेके गई थी मैं आमना को, मैंने कहा आमना मैं, मेरा बहुत दिल था मैं तुझे ईदी भेजूं, मगर यहाँ से अगर मैं DHL से कराती भी हूँ तो मुझे 15-20 दिन चाहिए। मैं एग्जैक्टली तुझे ऐसे ईदी भेज नहीं सकती है, मैं क्या करूं? मुझे बता तुझे क्या चाहिए, मैं बच्चों के साथ कर देती हूँ। तो मुझे आगे से कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस किस्म की फिजूल बातें ना क्या करो, ये है वो है, और ये फजूल बात देखिए। अच्छा जी पहनना आमना, तुमने वही सूट है शॉकिंग, वो जो मैंने, हाँ जो जाने से पहले तुम्हें अम्मा ने दिया था, मुझे याद है, और वो देख के इसने कहा था अम्मा ये इतना मुझे अच्छा लगा कलर, मैं तो इसे ईद पे पहनूंगी, चाहे थोड़ी देर के लिए पहन के तस्वीर में ना, वहाँ गर्मी भी तो बहुत है। हाँ गर्मी भी बहुत है। थैंक यू सो मच मम्मी। ये अम्मी अब्बू की तरफ से। अल्लाह यार बस करो यार, ओ मेरे अल्लाह, ये आंटी अंकल ने मुझे ईदी भेजी है, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह। तुम्हें बेटी हमारी तो भेजेंगे नहीं? हाँ नहीं, उन्होंने हक अदा किया मुझे ईदी भेज के, थैंक यू सो मच काके शहजादे प्यारे। जा के धरे हो कौन तुम्हारे रोजे खुलवा रहे? कोई भी नहीं। ईद मुबारक के साथ, ईद मुबारक, चांद रात मुबारक बल्कि मेरे भाई हैं, अल्लाह ने नजरें बचा। अच्छा इंशाल्लाह मुलाकात होगी, खुश रहो। आमना का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग किधर जा रहे हैं? मेरे टाउन। अब आप लोगों ने बाहर हमारे साथ कर लेते इफ्तारी? नहीं नहीं आज बाहर के प्लान है। चलिए तो अपना कोई ईद की रात दीजिएगा। हाँ हम लोग हम बाहर चलेंगे, उस दिन मैं ये कही थी, मैं जब मैं कल गई हूँ ना व्लॉग अपलोड करने के लिए ये साथ के पास, मैं से ये कही थी कि हम लोग कहीं बाहर चलेंगे, तो मुझे बता देना। कह रहे थे मैंने मूवी देखनी है, मूवी देखनी, वो जो आप कह रहे थे ना जब हम एम्पोरियम गए थे, तो आप कह रहे थे मूवी देखनी। बातें कर रहे हो सारे, रमजान गए अभी, मैं ये जब खोलती हूँ ना तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट रुक जब मिल लेने खोल के, तो देखेंगे गिफ्ट मैं लेकर आया हूँ, इतनी इतनी दूर से लेके आया हूँ मैं, कहता खोल के तो देखें। ये आपका है, ये आप खोलें। अच्छा अच्छा मैं फट गया थोड़ा सा, जरा लाते लाते नहीं जी क्या हुआ है? शॉपर फट गया, शॉपर फट गया थोड़ा सा। नहीं नहीं भाई नहीं, पुरानी चीज नहीं है। हाँ तो फिर खत्म ही बात शॉपर की कर। ओए रास्ते मैंने वहाँ पे देखे थे,
तुमने तो वहां से ले लिए हुए थे तकिए लेने थे कोई आ रही तेनू समझ नहीं लेने लगन देती ते ना हाथ कर गए कसम से मैंने पूछा है मैंने कहा तुम्हें कहता है अलमास जाना है मैंने कहा क्या करना है ये कितना है ये बहुत बड़ा टेस्ट है नहीं, मुझे लगता है आ जाएगा आपको 44 कितना बंदा ये 9 बंदा हाँ ये 43.5 और 44 आता है जवाब मैं इसको चेक कर लेता हूँ 10 से ऊपर जाता सही बड़े बड़े हैं ना पैगू माशाल्लाह लंबे भी तो हैं ये नीचे पड़ी है ये मेरा भाई खोलेगा मेरे लिए खोलो जी खोलो तो सही ना ये लो फिर व्लॉग ना मैं खोल लेती हूँ सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आंटी अंकल आमना मेरी जान प्यारी आई लव यू सो मच तुम्हारी दीदी मेरे पास पेंडिंग है मैं इतनी दूर नहीं भेज सकती थी ये मुझे पता है आपने कैसे भेजी है आपकी दोस्त आ रही थी मुझे आपने बताया था तो ये आपने उसके हाथ भेजी है आई लव यू सो मच थैंक यू अब हम खोलेंगे और देखेंगे इसके अंदर है क्या मगर यू आर वेरी नाइस जेलियां भी हैं जेलियां मैं इसकी बैक स्टोरी बताती हूँ जब भी आमना मैं कहीं बैठ जाते हैं तो वो मुझे जेलीज लेके देती है क्योंकि मुझे जेलीज बहुत पसंद है हेल्पफुल जेलीज थैंक यू सो मच काली चूड़ियां मेरी प्यारी थैंक यू मेहंदी जो कि मैंने लगवा ली हुई है रात को ये पता क्या है मेरे ना फोन की वो तस्वीर टूट गई थी ना जो मैं साइड पे लगाती हूँ हाथ में पहन के बनाती हूँ मेरा फोन गिरता नहीं है सलमान से टूटी है कि अब्दुल रहमान से टूटी है तो उसने ना मैंने पिक्चर खींच के भेजी थी ना उसको अपनी तो मुझे कैसी कहती तुमने हाथ में क्यों नहीं पहनी चेन में क्या टूट गई है उसने वो चेन भेजी है मुझे मोबाइल की नजर आ रहा है लिखा हुआ है ईद मुबारक मेरी जान लव यू आमना वेरी प्रिटी दो गुस्से हो गए मेरी ईदी में मुझे आमना का मेरा पाऊ इज्जत नहीं है तो वो भी आया होगा वेरी नाइस आमना आई नो द स्टोरी बिहाइंड लाइम लाइट टू आमना को लाइम लाइट के सूट बहुत पसंद है तो मुझे कहती होती है लिया करो अच्छे होते हैं वेरी प्रिटी वेरी प्रिटी आमना थैंक यू सो मच आई मिस यू सो मच प्लीज कम बैक सून आई लव यू एंड खैर खैरियत से वापस आओ अल्लाह पाक तुम्हारे नसीब अच्छे करे और ये तो जरूरी है ये मैं आपको ईद वाले दिन खोल देता हूँ अक्सर भी ईदियाँ इकट्ठी हो जाएगी जो होंगी ईदियाँ गिनेंगे ना तब खोलेंगे ये ठीक है थैंक यू यार तुम लोग हमारे पास अफ्तारी कर रहे हो थैंक यू सो मच मगर हमारे साथ अफ्तारी करो ना फिर 10 मिनट लेट नहीं उन्होंने क्या आखिरी रोजा थे वो भी अपना अपना अच्छा जी ठीक है इन लोगों का रोजी मुझे रोजा लग रहा है इन लोगों का रोजा अफ्तार हो चुका है अफ्तार करें बेटा जी बिस्मिल्लाह करें सामने चीजें पड़ी हुई हैं देखो खाओ रोजा खोलिए खाना तो अपने साथ खाएंगे ठीक है डन ये ठीक है उसने हमारे साथ इतनी दीद लिहाज कर ली है कि मैंने खजूर खा ली है अब मैं खाना शाना आप लोगों के साथ खा लूंगा ये कचोरियां शिचोरियां जो पड़ी हैं आपके साथ खा लूंगा 10 मिनट रह गए हमारे रोजा इफ्तार होने में इंशाल्लाह इफ्तारी करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग चांद रात वाला जो असली व्लॉग हमने करना था वो उसका प्लानिंग मैं आपको बताऊंगी रमजान का मोस्ट प्रोबेबली आखिरी रोजा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो ले जी चांद नजर आ गया जी सुबह चांद रात मुबारक सबको बहुत बहुत मुबारक हो बेटा हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा हाँ जी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए खूबसूरत टाइम तो बड़ा महीना गुजरा है अल्लाह पाक ने ये हमें हमारी जिंदगी में ये महीना है अल्लाह पाक करे आइंदा जो उसको बाकी मंजूर सेहत और सलामत के साथ अगला महीना भी इसी तरह रहे तो और बरकतों वाला हमें नसीब हो इलाही आमीन और आप सबको मेरे बच्चे बच्चियों को बेटियों को बहुओं को जो जो भी है सबको बहुत सारी दुआएं और इस चांद रात की जो है ना मुबारक सबको बहुत ज्यादा अल्लाह पाक इन सबके रोजे कबूल करे इन सबे हमारे भी रोजे कबूल करे रोजे कबूल हो आपके और जो हमने बातें की हैं थोड़ी ज्यादा जिस जिसने जितनी भी की है बस अल्लाह पाक उस पर कबूलियत की मोहर लगा हमारी तमाम ख्वाहिशात जो हमने खुसूसी तौर पर अपने दिल से की और जो मांगते हैं मेरे समेत आप सबके साथ मेरी भी सारी की सारी वो कबूल इलाही आमीन
बाबा फुल बैठ के चाय पी रहे हैं कि मेनू पता सी चंद नजर आ जाना, इन्होंने एवं रोला पाया ले आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। जवाद साहब घर पर नहीं है, जवाद साहब गए हुए हैं शेव वगैरह कराने के लिए, थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कराने गए हुए हैं, तो मैं वो गाना गाऊंगी, ईद आ गई ओ मेरा यार यार। चुप कर बे। जवाद साहब अभी आते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम लोग चलते हैं चांद रात मनाने के लिए, जो हमारा एक्चुअल व्लॉग था कि हमने चांद रात मनानी है, अभी लेके चलेंगे अम्मा को भी, प्यारी सी खूबसूरत सी अम्मा को भी मेहंदी लगवा के आएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़े बहुत दो तीन काम और भी करने हैं, मैंने जवाद को लेके देना है शूज, और हमने मैंने भी अपना शूज भी लेना है, जवाद साहब मुझे लेके देंगे, मैं उनको लेके दूंगी, हम टिट फॉर टैट करते होते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं, निकलते हैं थोड़ी देर तक, तैयार शायद हो जाती हूं मैं तब तक जब तक जवाब वापस आते हैं, और फिर हम लोग निकलेंगे अपनी चांद रात मनाने के लिए। 2 hours later. अच्छा जी, खाना शाना जैसे कि हमने खा लिया था, ईद का चांद भी नजर आ गया है, मेरा चांद भी आ गया है घर में काफी देर बाद, मेरे ख्याल में 12 बज गए अब। 3 घंटे जो बीच में से मिसिंग हुए हैं वो मैं आपको बताती हूँ क्यों मिसिंग हुए हैं। बाबा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है? बस ठीक है, ठीक है अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए अम्मा, ठीक है? आमीन। अच्छा जी, एक हुआ है काम, मैं डेली व्लॉग करती हूँ अब, तो जो जो होता रहता है साथ साथ आपको बताना होता है। 3 घंटे हमारे घर पे ऊपर छत पे लगी थी आग, ठीक है, हमारे घर पे ऊपर छत पे लगी थी आग, और वो भी महबूब भाई के कमरे में, ठीक है, और फायर ब्रिगेड और वो पता नहीं कौन कौन से जो सोसाइटी के जो सिक्योरिटी में जो लोग होते हैं वो लोग सारे आए, उन्होंने आके आग बुझाई, गद्दा सारा जल गया, महबूब भाई का कमरा काला स्या हो गया। मैंने कुछ क्लिप्स निकाला है, मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने वीडियो जवाब को दिखाने के लिए बनाई थी तो वो मैं इसमें लगा दूंगी, क्लिप्स पड़े हैं मेरे पास। इसलिए कहते हैं कि हमेशा हमेशा जब भी आप किसी की कोई तरक्की देखते हैं, किसी की खुशी देखते हैं, कुछ भी होता है, तो माशाल्लाह लाजमी कहा गए कि नजरें इसी तरह लगती हैं, और फिर पता नहीं अल्लाह पाक ने मैं कौन से बड़े नुकसान से बचा लिया है। बाबा जी ऐसे ही है ना, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, महबूब भाई नीचे थे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, इलेक्ट्रिशियन आए हुए थे शुक्र है उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है कि अल्लाह पाक ने जानी नुकसान से बचाया। माल तो आने जाने वाली चीज है, अल्लाह पाक जो अगर गया है तो उससे दुगना वापस भी आना इंशाल्लाह, ये हमारा ईमान है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, एवरीवन इज सेफ, ठीक है। अब मैंने कहा कि हम सारे खामोश होकर बैठे हैं, तो मैं लड़की हूं तो मैं तो हूँ चंचल, मैं तो कहूंगी उठो चलो चले बाहर चले चांद रात मना के, मेरी माँ के हाथों में मेहंदी नहीं लगी हुई अभी तक, मेहंदी भी लगवाएंगे, भाभी को भी पिक करेंगे, भाभी को भी पिक करेंगे, उन्होंने भी मेहंदी लगवानी है, अम्मा लोगों ने भी कुछ चीजें लेनी है और हम लोगों ने भी कुछ चीजें लेनी है, तो जैसे जैसे अभी आगे चांद रात हम मनाते हैं तो आप पहले तो सबसे पहले नीचे जाके चश्मे पर दूर और माशाल्लाह प्लीज 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 लिख दिया करें, नजर हसद की लगे लाजमी नहीं है, नजर प्यार की भी लगती है, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, चलें जी, ऑल गुड है, खुशबाश, मेरी फैमिली हमें है ना दुआएं देने की, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, दुआ में याद रखें कि जो आया वो अल्लाह की तरफ से, जो कहते हैं ना कि इम्तिहान होता है, बिल्कुल ऐसे है, नुकसान हुआ जितना हुआ नहीं हुआ वो भी, लेकिन शुक्र यह है कि मेरी पूरी फैमिली समेत में वो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सही बात है, बहुत एहतियात करते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं है, वो जो होना होता है वो तो हो गया रहता है, महबूब भाई इतने खामोश, महबूब भी इधर आए ना जरा मेरे पास, और कुछ नहीं हुआ, इधर आए, इधर तो आए, आए भी इधर आए, क्या हुआ इधर आए, नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कोई पैसे पूसे पैसे उतर नहीं पड़े ना, ना मेरे भाई दे ईद के कपड़े सड़ गए, तू टेंशन, ईद के कपड़े यार कैसी बातें करते हैं, बाबा जैसा बाप और मेरे जैसी भाभी हो आपकी तो आपको और क्या चाहिए, वो नहीं टेंशन लेनी आपने, ऑल गुड हो जाएगा, प्यारा नया सूट ही पहनेंगे आप इंशाल्लाह, एहतियात बहुत करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि पता नहीं चलता किसी चीज में कुछ, हम लोग बहुत आराम से बैठे थे, और वाकई मेरी बेटी मुझे कही जा रही है कि अम्मा आपको मेहंदी लगवाने जानी है बाहर निकले, तो एकदम आप ही की तरह का कोई हमारा, वो जो अंकल आए थे वो कहते हैं मुझे पता ही आप लोगों का घर है, मैं आपके व्लॉग्स देखता हूँ, आपके घर ऊपर आग लगी हुई है, हम लोग तो सारे सुकून से बैठे हुए थे नीचे,
वो बाबा फौरन निकले बाहर, जाके देखा वो टेरेस में से आग, ऐसे मतलब जैसे आग बाहर को निकलती है वो निकले। हाँ भाईजान थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, अगर आप देख रहे हैं व्लॉग तो थैंक यू सो मच आपका बताने का, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इससे पहले कि आग बेकाबू होती पहले ही उसपे हमने कर लिया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। वाह जी वाह, महबूब भाई नया सूट आया, नया सूट आया, शलवार कमीज हंस के वो खा दे यार, हंसो क्या हुआ है इसमें, क्या मसला है यार, आप पहले अल्लाह ने दिए तो ये उनका मेरे भाई हो जिन्ना मेरे को हो सकेगा मैं तो ना टूरंगी तो गया ना ते पर आया भी होया बिल्कुल ऐसे ही है, टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह का शुक्र है कि आप ऊपर नहीं थे। अल्लाह का शुक्र, अगर आप ऊपर होते तो आपके माशाल्लाह पीछे बच्चे हैं, आपकी बीवी है, हम लोग हैं सारे, आप हमारे बड़े भाइयों जैसे हैं, आपको हमने कभी, मैंने आपको अंकल उंकल करके नहीं बुलाया, मैं वो भाई करके बुलाती हूँ, आप हमारे भाई भी हैं, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कि आपको कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ ला दो भाईजन, आन वाली पता नहीं मैंने बर्दाश्त ना करे पर लकीली फरिश्ता ओ खुद तो इतना पसंद कर दी, छोड़ दे ऑल गुड टेंशन वाली शक्ल नहीं नानी, चांद रात है खुश हो गए मिलने सबसे, ईद है कल ठीक है गुड ओके जी, अभी हम लोग निकलने लगे हैं रास्ते में और फिर इंशाल्लाह जैसे ही आगे आगे दिन चलता है वैसे मैं आपको बताऊंगी, निकलते हैं अभी चलेंगे। जवाब आपका कोई पैगाम, टेंशन में है मेरा प्यारा शोहर भी है, पैगाम बस यही है कि बस बाकी सब भी अपना ख्याल रखें, छोटी छोटी चीजों का त्याग किया करें यार। हाँ किसी की कोयल हो गई, कोयल हो गई, कोई कोई और चीज हो गई, ख्याल रखें, बस इस मौके पे अपने होश ना खोएं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम ना करें। हाँ सही बात है, सही बात है, मसले का हल निकाल ले बाद में बैठ के सोचे गलती क्या होगी, ठीक करने की गलती है। जैसे हम मैं यकीन करें सबकी खुशी में खुश इस तरह के मामले में, मेरी औलाद समेत मेरी बेटी के हम लोग इस तरह के मामले में किसी का कोई कसूर नहीं होता। हाँ ये अल्लाह की तरफ से आनी होती है, जो आके ही रहती है वो शुक्र अल्लाह के, अल्लाह पाक ने किसी बड़े नुकसान से बचा लिया, पता नहीं कौन सा सदका दिया, काम आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मगर हमने आपको पहले हाँ हम आते हैं अपनी ट्रैक पे। अच्छा आज का व्लॉग इतना डिस्ट्रैक्ट हुआ है, पहले ईदी देने आ गए वो लोग, फिर ये वाला काम हो गया, तो चांद रात मेरी हेवी लंच चली सी, मगर हम नहीं जाने देंगे, हमने पकड़ लिया उसको तुमसे, हम चांद रात मना के जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। A few moments later। अल्लाह अकबर यार मेरा शुक्र यार, जवाब वो भी लगी हुई है मेहंदी वाली स्टॉल, अम्मा लोगों ने मेहंदी लगवानी है ना। हाँ लगी हुई है, बट पहले वो चलते हैं फिजाइया के पास, काफी बड़ा सेटअप लगा हुआ है, अगर वहाँ ना ठीक लगा फिर वहाँ पर रहमत मार्केट भी है। हाँ जहाँ से लास्ट टाइम आपने लगवाई थी, और एक सामने भी स्टॉल है। ठीक है अभी पहले हम लोगों ने, मैंने असल में लेनी है मिनसा की ईदी, मैंने मिनसा की ईदी नहीं ली हुई, मैं बहुत मसरूफ थी पिछले दिन मुझे याद नहीं रहा, तो मिनसा की ईदी लेनी है, मम्मा की ईदी लेनी है, मेरी जान के टुकड़े की ईदी लेनी है, और फिर हम लोगों ने जाना है मम्मा लोगों की तरफ, ऐसे ही है जाना ना, ऐसे ही है। जवाब साहब ने मम्मा से कमिट कर लिया था कि मैं इसको लेके आऊंगा, तो अभी हम लोगों ने वहाँ पर भी जाना। क्या ये पसंद आ गया जवाब को, बड़ा बहुत है जवाब। हाँ ये देखिए मुझे ट्राउजर और शर्ट है साथ। हाँ प्यारा तो है ना? आपको ठीक लग रहा है, कलर भी अच्छा है, एक ही भी देखो अच्छा है ना, पांच अच्छा है, पांच साल के बच्चे के लिए मिन सब आ जाएगा, उसकी हाइट लंबी है थोड़ी सी, है स्मार्ट सी है मगर, है ना प्यारा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। अच्छा जी तीन चार मैंने सूट मिन सब के क्या यार जवाब को करने में, कभी देखा तुमने मेरी माँ को ऐसे कपड़े पहने हुए यार, ये भी बात है। लो जी ये आ गई मेरी मम्मा की और मिनसा की ईदी, अब रह गया है हमारा मेरा जूता और जवाब का जूता बस। ना ना मेरा जूता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन आमना ने मेरे शूज भेज दिए है। शूज तो उसने भेज दिए है, कमीशन वार के नीचे भी तो कुछ पहनना ना, वो तो मेरे बड़े है एज यूजुअल। अगर आपने मेरा बर्थडे वाला व्लॉग नहीं देखा हुआ तो जाके देख ले, तो आपको इस जवाब का मकसद पीछे वाला पता चल जाएगा कि इसके पीछे का क्या मकसद था। ठीक है जी तो अभी हम लोगों ने निकलना है, पहले जाना है हमने जूता लेने के लिए, और फिर जूते लेके फिर जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह मम्मा की तरफ, ऐसे ही और तो कोई काम नहीं ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बट एक बार मैं कह रहा था कि अगर हम अपनी अम्मा को कॉल कर लें, अगर तो उन्होंने भाभी को ले लिया तो मेहंदी का सीन है, तो हम लोग फिर पहले यहाँ चल लेते हैं, नहीं तो फिर मेरा दिल था कि हम पहले माँ जी की तरफ चल लें, क्योंकि ये ना हो कि उन्होंने सोना हो और मिनसा को भी मिलना है। हाँ उसको हमने पहना के देखने हैं, क्योंकि हमारी बेटी लंबी लंबूतड़ा हो जा रही है माशाल्लाह, और मां साता नहीं उसके ऊपर। ले जी हम आ गए हैं अपनी माँ जी की तरफ, फोन मैंने किया था कि जाग रही हैं, उन्होंने मुझे कहा हाँ जी जाग रही हूँ।
हैं डॉन निकले हुए हैं डॉन सा डॉन ऑफ यूट्यूब डॉन कह रहे डॉन ऑफ यूट्यूब निकले हुए हैं रजवी निकला होगा चांद रात कहीं ना कहीं निकला होगा हाँ जी जान अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक है अगर जी मुझे मिन्ना की आवाज आ रही है कहाँ पे है चाय आपको खुश रखे आबाद रखे मीना ये क्या देखो ये क्या है ये सारा कुछ मेहंदी लगवा के आयो भी कल लगवाई थी मैंने आपको दिखाती हूँ आओ देखिए क्या है बारह गोदू में आओ जाद आपके लिए कुछ लेके आया है जाद को ईद मुबारक करोगी जाद भाई को ईद मुबारक करोगी पहले जाद को ईद मुबारक तो बोलो ना अस्सलाम वालेकुम क्या क्या क्यों बताऊं ये क्या है मैं क्यों बताऊं पीछे तो मेरी चीजें है पीछे तो पहले अपनी पहले पहले नेल पे ये दिखाओ मेहंदी दिखाओ वाओ मां झटकी जॉय ये देखो मेरी मेहंदी आपने पूरा इधर तो मेहंदी रही दिखाओ मैं क्या लेके आई हूं अपने बेटे के लिए मैं अपनी कहती हूं अब आओ मैं आपकी ईदी लेके आई हूं आपने मुझे क्या कहा था क्या लेके आने को कहा था ईदी में क्या है पहले तुम रुको ये मेरी मम्मा की ईदी हाँ मैंने तो नहीं ली जवाब नहीं लिया मेरी कोशिश की है कि आपको अच्छा लगे माँ सदके तेरे जान को करा मैं दसो दिखाए वाला सूट में दिखाऊं ये देखें लाइलैक सा कलर है बहुत डार्क भी नहीं है बहुत लाइट भी नहीं है अच्छा है ना हम इन्होंने मुझे ये मुझे ना वो दिखाते हैं वो दिखा रहे थे रेडीमेड सूट मुझे कहते हैं ये ले लो माजी के लिए मैंने कभी देखा उन्हें पहने हुए आपने अच्छा लगा पसंद आए चले गुड अब मिंसा की बारी ये मिंसा को आईज क्लोज निकाल के दिखाओ चलें जी जाद निकाल दें जी वन ये किसका है जी मेरी बेटी का फर्स्ट शूट पर्पल कलर का था ना आपने देखें जी टू ये किसका है मेरा इमाम अच्छा चले दिए भी ओके ये मिंसा जारा का सेकंड शूट बस हो गई और नहीं है ये वाले नहीं देने नहीं ये वाले तो नहीं देने ये मेरी बेटी का एक और पहले वो देखो प्यारा करती है ये देखो ये देखो मेरी बेटी ने हाथ वाली मेहंदी लगाई है ना मैं हाथ वाला शूट लेके आई हूँ अपनी बेटी का थैंक यू बोलो जात को जवाब है जल्दी डालो अभी करो जब भी डाल दो जात को इनको इनको डाल दो पापा डाल दो मुझे तो थैंक यू बोलो चुम्मी भी दो थैंक यू इसको एक बार ट्राई हाँ ट्राई करा के दिखा लें पूरे हैं कि नहीं ओके मामा जी अल्लाह फिर हमने जाना है अम्मा ने अभी मेहंदी लगानी है जी जी ये दे तो पता लिया मैंने ये दे तो पता लिया ओके वैस भी अल्लाह फिर चांद रात मुबारक ख्याल रखें अपना बहुत बहुत पापा जी अल्लाह फिर चांद रात मुबारक मिलो चांद मुबारक मेरी बेटी अल्लाह फिर चांद बड़ी अल्लाह फिश कर दो थप्पड़ मारूंगा तेरे सर पे ले जी हम हैं रास्ते में और अभी हम लोगों ने जाना है घर जा रहे हैं अब जवाद के पहले सूट लेंगे और जूता लेंगे जनाब मैंने घर जाके अपने आप को मजीद दुश्वारी में नहीं डालना मैं आपको पहले शूज लेके दूंगा शूज लेने के बाद इंशाल्लाह रास्ते में एक जगह ब्रेक लगानी है अच्छा हाँ को नहीं मिलना क्या
हाँ वो तो मुझे पता है ऑब्वियसली हमारे लोग वहीं पे हैं जहाँ पे हमने पहले उन्हें कहा था कि आप चले जाइएगा, तो बस वहाँ से फिर लेके फिर इंशाल्लाह फिर हम अपने घर की तरफ। ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी हम लोग पहले चलेंगे उधर जहाँ से मैंने अपना जूता लेना है, नजात का शूज लेना है, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अम्मा के पास। अम्मा और भाभी वहाँ पे मेहंदी लगवा रही होंगी तो उनको थोड़ा सा हेलो हाय करेंगे कि हाय क्या लेडी को, भाभी से मिलते हैं चल के, फिर वहाँ से अपने घर जाएंगे इंशाल्लाह। और आपकी बहन ने मेहंदी लगवा ली हुई है, देखें कैसी लग रही है, रुके मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। हे चेक करें, आय हाय 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 क्या बात है क्या बात है, इतना प्यारा प्यारा काम कहाँ से करवाया है, है? इतना प्यारा प्यारा काम, इतना प्यारा प्यारा काम जो मेरी डार्लिंग मेरी जो बहुत अच्छी सी दोस्त अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, आपको मैंने बताया था जवाब बिल्कुल आपने मुझसे जिक्र किया, हाँ मैंने जिक्र किया था उनका भी। तो फातिमा के पास मैं गई थी, फातिमा को मैंने कहा मैं यार रहने तो मेहंदी क्या करनी है लगा के, मुझे कहती है मैंने लगवाती ही नहीं हूँ मेहंदी इतनी खास, कहती है तुम चुप करो तुम्हारी शादी के बाद ईद है तो मैं तुम्हें लगाऊंगी, और मैंने पैरों पे अपनी शादी पे भी नहीं लगवाई थी मेहंदी और उसने मुझे पैरों पे भी मेहंदी लगा दिया। शादी वाले दिन ही काम किए थे मैंने जो उसने मेरे साथ करा दिए, बहुत अच्छा काम करती हैं अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे और उनका जो काम है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे आमीन। अभी हम लोग बस पहुंच गए, जूता शूता लेते हैं और फिर घर चलते हैं इंशाल्लाह अम्मा को लेके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक है अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इनको बताया था मैं क्या मैंने अपनी भाभी से मिलने जाना है, अभी उनको मेहंदी लगवानी है। प्यारी ठीक हो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है, अम्मा का है? ये लग रही है जी मेहंदी, ठीक है वो इंस्पिरेशन पिक्चर पड़ी हुई है सामने और ये मेहंदी लग रही है। आय हाय हाय हाय, अम्मा ने भी मेहंदी लगवा ली और ये भाभी ने भी लगवा ली है, वेरी नाइस प्रिटी लेडीज हैं। चलें जी, सुबह के 4 बज गए और सैरी नहीं करनी, सुबह के 4 बज गए सैरी नहीं करनी, हाँ सैरी कर रही, रोजा रख आज सैरी नहीं है। अच्छा जी, आज हमारे पक्के रोजे हैं, आज उन लोगों के रोजे हैं जिन्होंने रोजे नहीं रखे थे, हाँ आज उन लोगों के रोजे हैं। चलो जी लेट्स गो, होते हैं मच्छरों ने खा लिया हमें, टांगे भी मेरी पैर भी मेरे सारे वो हो गए हैं, मच्छरों मच्छरी हो गए हैं, घर चलते हैं। Few inches later, home sweet home, अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हैं जी घर। अब मैं आपको दिखा देती हूँ जूता जो मैंने लिया था, क्योंकि मैं उधर नहीं बना सकी थी व्लॉग जल्दी जल्दी में, अम्मा लोग इंतजार कर रहे थे हमारा, तो जो सब खोले Presenting you Ghazals footwear. I like it. Heel मेरी पहले मेरी पसंद थी, अब मेरी मजबूरी बन गई है। क्यों? मैं ज्यादा सा गिट्ठी लगती है ना, ये देखें बहुत आला, मेरे बराबर आने की कोशिश कर रही है ना, ताकि बहुत आला, नहीं बहुत प्यारी, ये देखें बहुत आला, चलिए मैंने बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, बाबा देखें बहुत प्यारा है, अच्छा ना, ये देखो तुम्हें ये भी पता है, कैसा है, वेरी प्रिटी, ये भाई का है, ये भाई का है, भाई के बगैर हमारी कहाँ गुजरती है यार, मुझे पता है इसने अपने लिए कोई नहीं लेना होता, मैंने कहा माज इसका शूज ले, कहते हैं कहते हैं यार मेरे जवाब था शूज, मैं क्यों नहीं अपने तो कुछ नहीं लेना, आहो मुझे कहता तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे ना कहना शूज ले लो, मुझे पता था ये तुम्हारे साथ है हम ले लेंगे, वेरी प्रिटी, हाय 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 लड़के, ये हैंडमेड है ना, क्या बात है यार, अच्छा जी बहुत बहुत पसंद आया मुझे, थैंक यू सो मच कि आपने ला दिया, नहीं तो यकीन करें मैंने ये सोचा था कि ये नहीं ले रहा तो मैं कल या परसों जाऊंगी तो मैं कहीं ना कहीं से इसको ला के हाँ, यही तो बात है ना सारी, यही तो बात है, नहीं नहीं हमने समझता नहीं है यार, समझता नहीं है, ये साल नहीं था, गुड हो गया, ख्याल देंगे कि बस अब फैमिली से जात लेते हैं ताकि सुबह उनको पहन के दिखाएं, ठीक है, चौथ की बस होगी व्लॉग एंड कर मैं उतने जाके सोना है, खैर व्लॉग देते हैं यहीं पर एंड। जो हादसा आज हमारे घर में हुआ उसके उसके लिए आप लोग सबसे पहले, तो मैंने पहले भी ये कहा था दोबारा ये कह रही हूँ, पहले नीचे जाके जब भी कोई अच्छी चीज होती है किसी के बारे में, किसी की सक्सेस देखते हैं, किसी की कोई अच्छी चीज देखते हैं तो नीचे जाके उस पर माशाल्लाह कह देना चाहिए, ठीक है, बुरी नजर तो हम कहते ही नहीं, हम कहते हैं प्यार की भी नजर लग जाती है, ठीक है जी, तो अल्लाह पाक नजर बद से बचाया, अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह पाक ने हमें किसी बड़े नुकसान से बचाया, और ईद मुबारक नहीं नहीं बल्कि चांद मुबारक, कल इंशाल्लाह आपको एक ब्लॉग देखने को मिलेगा जिसमें हम सारे आपको कोई 70 दफा ईद मुबारक कहेंगे, ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, होती है मुलाकात नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।